चलिए अब आपको सीधा दीनदयाल हस्तकला संकुल लिए चलते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऐसे माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। भारत माता के महान सपूत, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी, काशी के सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आज काशी अभिभूत है अपने एक यशस्वी सुयोग्य पुत्र को, एक महानायक की यात्रा को आगे बढ़ाने को लेकर के। 2019 के देश के लोकसभा के सामान्य निर्वाचन में प्रचंड जनादेश के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का शपथ ग्रहण के पूर्व बाबा विश्वनाथ की इस पावन धरती पर दर्शन करने, मां गंगा की अविरलता और निर्मलता के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ समर्पित देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम सब के नेता आदरणीय मोदी जी का आज काशी के कार्यकर्ताओं के साथ इस संवाद का एक कार्यक्रम यहां पर है। मैं इस अवसर पर आदरणीय मोदी जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और काशी के इन सभी कार्यकर्ताओं की ओर से उनका वंदन भी करता हूं। सचमुच यह पूरी दुनिया के लिए एक कौतूहल और आश्चर्य का विषय है कि चुनाव के पूर्व जिस भारतीय जनता पार्टी के बारे में लोग कहते थे कि मोदी जी ने इतनी पारदर्शिता और ईमानदारी के साथ कार्य किया है और क्या भारतीय राजनीति में यह संभव हो पाएगा कि उन्हें दोबारा पारी मिलेगी, गठबंधन और महागठबंधन बना करके उन्हें रोकने की जितनी कवायतें थी, बिना रुके, बिना डिगे, बिना झुके भारत माता को अपना सर्वस्व मानते हुए जिन्होंने देश के कोटि कोटि कार्यकर्ताओं को निरंतर इन चुनौतियों को अवसरों में बदलने की प्रेरणा प्रदान की और आज पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ते हुए विगत 5 दशकों की प्रचंडतम बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी, जिनके नेतृत्व में आज पुनः देश के अंदर एक नई पारी खेलने के लिए सामने आई है। ऐसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का उन्हीं की काशी में आप सबकी ओर से मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, इस जीत ने एक बार फिर साबित किया है कि मोदी हैं तो मुमकिन है और सचमुच दुनिया के अंदर सभी राजनीतिक पंडित अपने अपने अनुसार इस जीत की विवेचना कर रहे हैं। जो विजन इस देश के वैश्विक मानचित्र पर सम्मान देने का हो, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के मोर्चे पर भारत को पूरी सुदृढ़ता के साथ आगे बढ़ाने का हो या देश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के मामले में एक नई गति देने या फिर इस देश का गरीब भी बिना भेदभाव के, बिना जाति, बिना मत, बिना मजहब, बिना क्षेत्र, बिना भाषा के शासन की हर योजना का हकदार बन सकता हो, आजादी के बाद पहली बार उन योजनाओं को जिस प्रतिबद्धता के साथ इस देश के अंदर लागू करने का प्रयास हुआ, आज उसका परिणाम
आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में परिणाम के रूप में, जनादेश के रूप में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हमने देखा है। हम लोगों ने लोगों के मुंह से सुना है, देखा, जब लोग रोकते थे कि फलानी जाति का हमारा प्रत्याशी है, वोट फलानी जाति को देना है, फलानी प्रत्याशी को देना है क्योंकि हम फलानी पार्टी से हैं, वो कहते थे भाई नहीं, योजना का लाभ मोदी जी ने मकान दिया है, मोदी जी ने शौचालय दिया है, मोदी जी ने विद्युत कनेक्शन दिया है, मोदी जी ने रसोई गैस का कनेक्शन दिया है, मोदी जी के कारण हमें पेंशन की सुविधा मिल रही है, मोदी जी के कारण विकास मिल रहा है, मोदी जी के कारण ये आयोजन हो रहे हैं, मोदी जी के कारण देश को सुरक्षा मिल रही है, मोदी जी के कारण देश का सम्मान दुनिया के अंदर बढ़ा है, ये अद्भुत क्षण था। और आज भारत माता का महान सपूत, एक महान नायक के रूप में हम सबके बीच में, काशी के बीच में, काशी के पुत्र के रूप में हम सबके बीच में यहाँ पर उपस्थित है। मैं आप सभी कार्यकर्ता भाइयों और बहनों की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का काशी की धरती पर, बाबा विश्वनाथ की धरती पर हृदय से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। भाइयों बहनों, चुनाव के दौरान या चुनाव के पहले भी हम लोग इस बात को मानते थे कि थोड़ा सा समय मिलेगा तब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फोन आ पड़ता था कि नहीं फलाना कार्यक्रम, फलाना कार्यक्रम, कुछ न कुछ नए कार्यक्रमों के साथ। और बहुत बार हम लोग ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश में क्या होगा या देश के अंदर क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे पास हमें 51% की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़नी है और हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। पूरी परिश्रम के साथ रात्रि को 2 बजे तक कार्यकर्ताओं के साथ बैठक, अगले दिन सुबह 6 बजे अध्यक्ष जी फिर से तैयार होकर के नए कार्यक्रम के लिए फिर से हमें उपस्थित मिलते थे किसी न किसी कार्यक्रम में। मेहनत की पराकाष्ठा करके, हरेक कार्यकर्ता की चिंता करते हुए, बिना मूल्य और आदर्शों से झुके हुए, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो विजन दिया है उसे मूर्त रूप पर धरातल पर उतार करके, संगठन को उन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके, आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो तस्वीर हम सबके सामने उभर करके सामने आई है कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर 303 सीटें स्वयं अर्जित कर ले, यह अद्भुत करने वाला है, एक नई प्रेरणा प्रदान करने वाला है, हर एक कार्यकर्ता को नई स्फूर्ति प्रदान करने वाला है। मैं इस अवसर पर पूरे चुनाव में संगठन की पूरी रणनीति के साथ युद्ध स्तर पर 2400 घंटे हम कार्य करके हर एक कार्यकर्ता को मैदान में एक सेनापति के रूप में तैयार कर सके, इस दृष्टि आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस रणनीति के साथ सभी कार्यकर्ताओं को इस पूरे अभियान के साथ जोड़ने में सफलता प्राप्त की, आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ पर हमें सानिध्य प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर काशी की आप सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों की ओर से आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सभी कार्यकर्ताओं का जिन्होंने पूरे चुनाव में परिश्रम करके, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने नामांकन के बाद कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए कहा था कि मैं काशी में चुनाव का परिणाम आने के बाद ही आऊंगा, और सचमुच उस दौरान हम लोग देखते थे हर एक कार्यकर्ता अपने स्तर पर लगा हुआ है, हर एक कार्यकर्ता अपने अनुसार मेहनत कर रहा है, हर एक कार्यकर्ता ने चुनाव को अपना चुनाव मान करके और हर स्तर पर लग करके काशी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रचंड जीत, प्रधानमंत्री जी की जीत में किसी को भी संदेह नहीं था। बहुत सारे लोग कहते थे कि हम भी चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन रोड शो की गर्मी को देख करके बहुत सारे लोगों को प्लान करते हुए भी देखा, लेकिन यह भी हम लोगों ने महसूस किया कि काशी का हर एक कार्यकर्ता जिस आत्मीय भाव के साथ, यह बहुत बिरला भी उदाहरण देखने को नहीं मिलता, हर एक कार्यकर्ता ने इस बात को माना कि हम स्वयं प्रधानमंत्री जी चुनाव लड़ रहे हैं, इस बात को लेकर के स्वयं हर कार्यकर्ता हर स्तर पर दिखाई दिया है। मैं इस अवसर पर आप सभी काशी के सभी पदाधिकारी, सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों का भी हृदय से स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं आप सबको, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक बार पुनः हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उनके नेतृत्व में देश ने जो नई यात्रा प्रारंभ की है, सचमुच भारत दुनिया के एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए
जो प्रयास विगत 5 वर्ष में आपने प्रारंभ किए हैं, आज दुनिया सचमुच देश 130 करोड़ की आबादी का देश हमारा आपके नेतृत्व में भारत को दुनिया की महाशक्ति बनाने के लिए पूरी तरीके से आपके साथ में खड़ा है। आपके नेतृत्व में, आपके सुशी नेतृत्व में हम सब कार्य करने को एक सिपाही के रूप में आपके साथ खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका मैं एक बार पुनः हृदय से अभिनंदन और स्वागत करना हूं। धन्यवाद।